नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका तोशिन हांगड़ाले और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। नयनतारा के साथ फिल्म लेकर आ रहे हैं एमएस धोनी। तमिल, तेलुगु, मलयालम में फिल्में बनाएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप दिलवाने वाले कैप्टन कुल अब जताना के एंटरटेनमेंट का इंतजाम कर रहे हैं। धोनी ने 2020 में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। इस खबर आ रही है कि वो इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। नयनतारा के साथ फिल्म लेकर आ रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई बार जुड़ चुका है। यह करियर की शुरुआत में उनका नाम एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था। बाद में कहा गया कि धोनी रिटायरमेंट के बाद अब एक्टिंग की तरफ जा सकते हैं। हालांकि इन रिपोर्टर्स पर कभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आया। नयनतारा के साथ पहली फिल्म कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आ रही है। धोनी एंटरटेनमेंट तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म के प्रोडक्शन में उतरने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो इनका इतना तय है कि फिल्म के लिए जनता बहुत एक्साइटेड रहेगी। प्रैक्टिस से ब्रेक लेकर टीम इंडिया ने खास अंदाज में मनाया हार्दिक पांड्या का बर्थडे। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया पर्थ से प्रैक्टिस कर रही है। फिलहाल टीम इंडिया का बेस्ट पर्थ है। सोमवार के दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। टीम इंडिया ने खिलाड़ियों ने हार्दिक पांड्या का जन्मदिन को खूब एंजॉय किया। गाली देकर फंस गए चैंपियन टीम के कप्तान, अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज खेली जा रही है। पहले T20 मैच के कप्तान एरोन फिंच ने कुछ ऐसा कह दिया जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया। अब ICC द्वारा ओपन पर जुर्माना लगा है और उन पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा भी बरकरार है। फिंच को ICC नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। एसोन फाई ने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है और उनको लेकर उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक पॉइंट दर्ज किया गया है। यानी आगे वह अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो उन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNH न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnhnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNH न्यूज पर। नमस्कार।